सीएम हरीश रावत की सेहत में काफी सुधार हुआ है। हरीश रावत को दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड से अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना की वजह से हरीश रावत के दून से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। ये तस्वीरें आपको अस्पताल के अंदर की हम दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत जिन्हें कोरोना हुआ था, हालत खराब होने पर उन्हें दून से दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और अब फिलहाल अच्छी खबर यह है कि उनकी हालत में सुधार है, उनकी तबीयत में सुधार है और उन्हें आईसीयू से अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने देहरादून शहर के नगर निगम क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। हालांकि रात के समय आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात के समय बंद रहेगा। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 144 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जो औद्योगिक और जो फैक्ट्री वगैरह होती है, ये रात में भी अपना काम करती रहेगी। जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर ही रात अपना काम कर सकती है और इनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो अगर रात की शिफ्ट में जा रहे हैं काम करने के लिए या काम करने के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं तो इनको भी आने जाने की छूट होगी। इसके अलावा जो एसेंशियल और पेरिशेबल आइटम होते हैं जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इस तरह के जो आइटम होते हैं इनके आने जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। जो पब्लिक गुड्स वाले जो वाहन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हरिद्वार में अगर भीड़ बढ़ती है तो काफ़ी डाइवर्जन सड़कों की तरफ से होंगे, चांसेस भी हैं, तो इनके लिए भी छूट प्रदान की जाएगी। देहरादून में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो अब आज रात 10 बजे से शुरू होगा और प्रत्येक रात में 10 बजे से लगाया जाएगा। सुबह 5 बजे तक के लिए जो है ये कर्फ्यू होगा। कर्फ्यू के दौरान कई चीज़ों में जैसे जो हमारे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज के वाहन हैं, जैसे सब्जी के वाहन हैं या दूध के वाहन हैं, इन सभी चीज़ों के वाहन जो है वो चल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे जैसे हॉस्पिटल किसी को जाना है तो वो भी जा सकते हैं। तो आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत देहरादून में होने जा रही है। मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे सख्ती अब बढ़ गई है, अब नाइट कर्फ्यू देहरादून में लगने जा रहा है आज से, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की और कितनी सख्ती हमें देखने को मिलेगी? जी प्राची, देखिए इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं और देहरादून जो नगर निगम का क्षेत्र है और इसके साथ ही जो छावनी परिषद गड़ी कैंट का क्षेत्र है और जो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो आज से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस पर जो है ये आदेश है कि रात को बेवजह कोई भी 10 बजे के बाद बाहर ना निकले, यानी कि पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में उल्लंघन करने पर जो है मुकदमे दर्ज करने के भी पुलिस ने आदेश दिए हैं। तो आज 10 बजे के बाद पुलिस की गश्त बढ़ जाएगी, किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ आवश्यक जो सेवाएँ हैं उनको ही जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो जो आवागमन को लेकर एक लोगों के मन में संशय है उसको लेकर हम स्पष्ट कर दें कि जो भी लोग बाहर से ट्रेनों के माध्यम से या अन्य माध्यम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन लोगों को अपने घर में जाने के लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर उनको पुलिस रोकती है तो उनको अपना कारण बताकर उनको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी कि लोग कोशिश करें कि अगर उनको कहीं जाना है तो रात में ना निकलें बल्कि समय से निकलें, तो क्योंकि उन्हें इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो रविवार के दिन भी सैनिटाइजेशन का काम देहरादून में किया जाएगा और तमाम इलाकों में जहाँ पर भी जो खासतौर पर बाजार हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर जिलाधिकारी देहरादून ने सैनिटाइजेशन का काम करने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी और किसी भी तरीके की अन्य जो भी आवाजाही है वो नहीं होगी। और इसके साथ ही लोगों को भी ये अपील की गई है कि लोग बेवजह बाहर ना निकले ताकि जो है मुकदमे या किसी तरीके की जो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं वो ना हो, क्योंकि प्राची अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कोरोना से इफेक्टेड ज़िला अभी तक देहरादून है और ऐसे में संभवतः ये भी माना जा रहा था कि हरिद्वार, नैनीताल इन ज़िलों में भी जो है नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लेकिन अभी हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है तो अभी
लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होता और ये संभव भी नहीं हो पाता। तो इसी को देखते हुए अभी देहरादून ज़िले में इस तरीके की सख्ती जो है बरती गई है कि ये नाइट कर्फ्यू आज से शुरू कर दिया जाएगा। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि रात को 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन करें। और इसका एक सीधा सीधा मैसेज ये भी है, क्योंकि लोगों में जिस तरीके से कोरोना का डर कम हो रहा था, वो डर भी एक बार जो है लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अभी अभी का अपडेट अगर हम अपने दर्शकों को दे दें तो 1200 से अधिक इन 24 घंटों में केस एक बार फिर से उत्तराखंड में आ गए हैं और 3 और मौतें हो गई हैं। तो इसको देखते हुए जो हालात हैं वो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो काबू में नहीं है। तो उसको देखते हुए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो सरकार नियम बना रही है उसका पालन जरूर करना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड पर, कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आज 1233 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। एक्टिव केस 6241 हैं और कुल मौत 1752 हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अगर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है और ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत। उधर बात मसूरी की करें तो कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। मसूरी में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रुड़की में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले आईआईटी रुड़की में कोरोना के 90 केस सामने आए और अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 35 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए। एक साथ इतने छात्रों को कोरोना पॉजिटिव आने से कॉलेज में हड़कंप मच गया है। सभी छात्रों को कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। और हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को होने जा रहा महाकुंभ को लेकर रुड़की में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का दावा है कि बॉर्डर से सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। हालांकि ग्राउंड पर अधिकारियों के दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं, कितने ही लोग बगैर चेकिंग के एंट्री कर रहे हैं। बॉर्डर पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन और RT-PCR पे आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा और जो लोग विद रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे अनावश्यक रूप से प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के रिगार्डिंग DM साहब के द्वारा विजिट किया गया है और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये सब चीज़ें चेक की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में वैक्सीन लगवाने की होड़ दिख रही है। इस बीच मसूरी में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। अस्पताल में बड़ी संख्या में टीका लगवाने के लिए लोग जुट रहे हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन खत्म। और खटीमा में फैक्ट्री के कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोविड की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत पीलीभीत रोड स्थित एक फैक्ट्री में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। वहीं हरिद्वार में कुंभ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नोडल अधिकारी को भी कोरोना हो गया है, जबकि नोडल अधिकारी ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, बावजूद इसके उन्हें कोरोना हो गया। उनके संपर्क में आए बाकी कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारियों को ही कोरोना हो रहा है तो फिर कुंभ में आने वाले लोगों की जाँच कैसे होगी। ये वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि कुंभ को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं और अब नोडल अधिकारी का कोविड पॉजिटिव हो जाना कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ा देता है। स्नान घाट पर विशेष महत्व है, क्योंकि शाही स्नान के दिन सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि हम स्नान उस दिन अवश्य स्नान करें और सबकी यही कामना होती है कि हम हर की पौड़ी की जितने नजदीक पहुँचते हैं या ब्रह्मकुंड में ही स्नान करें। तो जैसे आप भाजपा स्नान घाट बना रहे हैं, काफ़ी दूरी तक फैले हुए हैं और चूँकि भीड़ जैसे भी होगी उस हिसाब से इसको पुलिस और प्रशासन व्यवस्था करता है। उधर कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का दावा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा हो नहीं रहा। बॉर्डर पर ना कोई चेकिंग हो रही है और ना ही बाहर से एंट्री करने वालों के दस्तावेज भी चेक हो रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार सरकार बहुत गंभीरता के साथ इस पर काम कर रही है और यही कारण है कि अब आपने देखा कि हरिद्वार में
भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाड़ियों को हरिद्वार के अंदर जो कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों के जो मूवमेंट पे पासेज इशू किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर 12 राज्यों के लोगों को RT-PCR के 72 घंटे की रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पर अन्य राज्यों से आए हुए जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं धार्मिक आस्थाओं को लेकर, उनका लगातार एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करने का प्राविधान किया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तैनाती की गई है और जो लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अखाड़ों की तरफ से हरिद्वार महाकुंभ में होने जा रहे शाही स्नान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। संतों की तरफ से शाही स्नान की शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का स्नान होगा तो वहीं 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी का स्नान है। अखाड़ों ने शाही स्नान को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर दी है और सभी अखाड़े अपने नंबर के हिसाब से राजशाही अंदाज में हर की पौड़ी स्नान करने जाएंगे। इस बार सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान करेगा। पहला स्नान जो है वह पंचायती खारा से निरंजनी आनंद के साथ करेगा, आनंद के साथ रहेगा। दूसरा जूना वहाँ नगरी, तीसरा स्नान है निर्माणी के साथ आटल है, फिर क्रम लगा हुआ सबका, उसी क्रम में लोग स्नान करते हैं, पहली परंपरा रही है। और लगभग रूट भी तय हो चुका है, हम लोग निकलेंगे इधर से तुलसी चौक होते हुए शिवमूर्ति चौराहा होते हुए उधर ही अपने शंकराचार्य चौक होते हुए जो हाईवे के ऊपर होते हुए हम लोगों का जो हड़की पेड़ी के इस पार वो बाड़ा बना होता है जिसमें सारे साधन वहाँ जितने भी जो अपने टालियाँ हैं रथ हैं जो भी है वहीं पे वो खड़े जाते हैं, वहाँ से हम लोग चलते हैं पैर। कुंभ और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कुंभ हो रहा है जैसा वातावरण सरकार के द्वारा बनाई नहीं है। जो लोग श्रद्धा आस्था रखते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है, एक बार कुंभ में नहा लेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वैसा वातावरण नहीं बना। ना तो साधु संत खुश हैं और ना श्रद्धालु खुश हैं, कर नहीं पाए। और कोई एक भी अधिकारी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो समर्पित होकर कार्य कर रहा है। महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन ने भी योजना बना ली है। नई ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत नजीबाबाद, मुरादाबाद, मेरठ और दिल्ली जाने वाले वाहनों को पौड़ी जिले से होकर गुजरना होगा। इस मार्ग से 15 अप्रैल तक आवाजाही रहे। प्रमुख से जो मार्ग हरिद्वार से होकर गुजरते हैं उन्हीं मार्गो पर हम लोगों ने डायवर्जन का प्रक्रिया अपनाया हुआ है। प्रमुखता से हमारा जो है ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचने का जो मार्ग है उसको डायवर्ट किया गया है। समस्त सूचनाएं जो है हम लोगों ने प्रमुख मार्गों पर आवश्यक जो चौराहे होंगे वहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, साथ में उसकी सूचना अखबार के माध्यम से भी पुलिस विभाग द्वारा जारी की जा रही है। सूचना उसकी संबंधित व्यक्ति तक पहुँच जाएगी ऐसा हम लोग उसका अपेक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून में डेयरी विकास विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने डेयरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों की शुरुआत की। डेयरी विकास विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया। जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल को उत्तराखंड के अंदर भी हम साकार करना चाहते हैं, करना चाहिए और उसको हम कर रहे हैं। रोजगार मैंने कहा है इससे रोजगार देने का भी काम और आपके द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा आपकी डेयरियों के द्वारा ये क्षेत्र जाए। और तीरथ सरकार ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। त्रिवेंद्र रावत के समय में यह फैसला लिया गया है मगर लोग इसका विरोध कर रहे थे। तीरथ सरकार के इस फैसले को पार्टी के वरिष्ठ नेता जनहित में लिया गया फैसला बता रहे हैं। जनता की मांग है, विधायकों की मांग है कि ये गलत हो गया है, अल्मोड़े वाले उधर वाले बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसको संशोधन होना चाहिए। तो परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संशोधन कर दिया। तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया था, उसको लेकर सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप
शायद निर्णय लिया होगा और इसको निर्णय पलटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उधर गैरसैंण कमिश्नरी पर सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का ही फैसला था जिससे लोग नाराज थे। देखिए कमिश्नरी को लेकर इनकी बड़ी लीडरशिप में भी नाराजगी थी और अल्मोड़ा जैसा जिला जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है उत्तराखंड की, उसको भी इसमें डाला गया था तो काफ़ी नाराज़गी थी। तो तीरथ सिंह ने जनता की नाराज़गी देखते हुए फैसला बदला, ठीक किया कमिश्नरी हटा देनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री और टिहरी के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जल्द बैठक करेगी और यात्रा कैसे सुचारू और सुरक्षित चले इसके लिए बातचीत की जाएगी। साथ ही डैम की झील से प्रभावित गांव के विस्थापन के मामले पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाए। यात्रा से पहले हम सभी विधायकगण, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष और जो मंत्री जी हमारे सतपाल महाराज जी, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। जो यात्री यात्रा में आएंगे हमारे प्रदेश में, उनको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और एक अच्छा संदेश यात्रा का वो यहाँ से लेकर जाए, ये हमारा प्रयास है। और मसूरी के जंगल में आग लग गई। इस दौरान जंगल के आसपास मौजूद आबादी वाले इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग से इलाके वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई। धुंधु करते मसूरी के जंगल पहाड़ों की रानी की खूबसूरती में ग्रहण लगा रहे हैं। देखिए हरे भरे जंगल कैसे आग की बहक चढ़ चुके हैं। आगे कितनी भीषण है इसका अंदाजा धुएं के गुबार को देखकर लगाया जा सकता है। ऊपर आग लगी है, वो जहां वो सारे घर है, घर के पास आग लगी है। कैंपटी के पास जंगल में आग ने तांडा मचा दिया। आग देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। डर इस बात का है कि अगर ये आबादी तक पहुंच गई तो क्या होगा। हम खुद पानी वगैरह डाल रहे हैं अपना बचाव करने के लिए। पता नहीं किसने लगाई आग, कहां से आई आग, कैसे लगी और मतलब कि हमारे घर तक पहुंच गई सर। जंगल में अमंगल है मगर वन विभाग जानकारी देने पर भी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचता, जिससे आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। सवाल ये है कि जब वन विभाग का रवैया इतना ढुलमुल होगा तो आग को फैलने से भला रोका ही कैसे जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और कर्णप्रयाग में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग लड़की की शादी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। और प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा रखी है, जबकि बाजपुर के वार्ड नंबर 3 में स्थित एक स्कूल ने फीस के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को स्कूल बुलवा लिया। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों की ऑफलाइन परीक्षा भी करवाई जा रही है। डीएम मामले पर जांच की बात कह रही है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की सफाई है कि अभिभावकों बच्चों को परीक्षा कराने के लिए खुद ही स्कूल भेजा है। पता है कि 6-12 स्कूल हमारे यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है वो अभी भी बंद है और सबको निर्देश है कि उसका कड़ाई से अनुपालन करें जो कोविड की गाइडलाइन है। तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में आया है जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो निसंदेह उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।